गरीबी गरीबी को जन्म देती है भैया, यह कथन किसका है बता दीजिए। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन भी आपके पास चार है, ऑप्शन टच करिए ना कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ बताता हूँ। देखो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, पहले एक बात बताइए आप गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है, इस बात को समझ लेते हैं। देखो जो गरीब लोग होते हैं ना बाबू, वो गरीब के जैसा ही सोचते हैं। गरीब लोग सोचेंगे हमको ये काम नहीं करना है, हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो मतलब तरह तरह की वो जो ना वो बहाना मारते रहते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अरे करेगा तब ना होगा। अमीर लोग क्या है, कुछ नहीं है, एक साधारण इंसान ही अमीर बनता। प्रकृति मतलब प्रकृति सृष्टि का नियम ही परिवर्तन, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, आज ना कल तो परिवर्तन होने ही वाला है। लेकिन एक बात देखी जाती है, गरीबी गरीबी को जन्म दे रही है, अमीरी अमीरी को जन्म दे रही है, इसके पीछे का रीजन है। गरीब लोग सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, अमीर लोग सोचते हैं हम कर देंगे, पैसा है जी। अरे देखो एक बात आप याद रखना, पैसा मतलब देखो हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि पैसा होता तो कुछ काम करते, आज ससुरी पैसा कहता है कि तू कुछ कर कि हम आए। अब सोचिए अब छोटा सा दुकान कर लेंगे, पैसा नहीं आएगा, आएगा समझ में आ रही है। तो ये मत सोचो कि पैसा होगा तब काम करेंगे, अरे तू कुछ काम तो कर, पैसा तो दौड़ के आएगी, समझ में आ रही है। मेरे गुरु शिवजी राम सर कहा करते थे ना कि देखो बाबू पैसा उड़ रही है उसको दिमाग से पकड़ना है, बस इसमें उम्र और हाइट मायने नहीं रखता। और ऐसा नहीं कि पैसा आकाश में उड़ रही है, पैसा हमारे आसपास उड़ रही है, बस अर्थे दिमाग लगाना है कि उसको कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं। हमारे गुरु ही ये कहा करते थे, वो देखो पैसा आकाश में नहीं उड़ रही है, पैसा हम लोग के आसपास है, उसको दिमाग से पकड़ना है, बुद्धि से पकड़ना है, बल लगाते रहिएगा, 50 घंटा काम करते रहिएगा, आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, समझ में आ रही है। पैसा नहीं मिलने वाला है, पैसा कब मिलेगा जब दिमाग लगाएंगे तब, और गरीबी आपकी कब मिटेगी जब आप दिमाग लगाएंगे तब आपकी गरीबी मिटने वाली है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो सोचता है कि मुझसे नहीं होगा, अमीर कहता है कि कर देंगे। अमीर कभी पीछे की नहीं सोचता, आगे की सोचता, जो होगा तो हम देख लेंगे। आपको भी तो बताया था, देखो अमिताभ बच्चन का नाम सुने ना, अमिताभ बच्चन लगभग देखी जाए उनकी मतलब बोले केबीसी जब स्टार्ट किए थे ना उससे पहले की बात करते हैं, तो अमिताभ बच्चन का सारा फिल्म फ्लॉप हो गया, फ्लॉप 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 फ्लॉप, सारा फिल्म फ्लॉप होते रह गया, बेचारा डिप्रेशन में चला गया। जब डिप्रेशन में चला गया तो बहुत सारा कर्ज उसके ऊपर चला गया, फिर भी अमिताभ बच्चन हार नहीं माना, बोला कि हम इससे निपटेंगे, इससे लड़ेंगे। उसने केबीसी कर्ज लेकर स्टार्ट किया और आज देखो उस केबीसी खिलाने के माध्यम से वो फिर से अपने सारे कर्ज को चुका दिए और फिल्मों में नंबर वन स्टार बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए। वो थे कौन, अमिताभ बच्चन। यार जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहती है, जिंदगी एक नदी के समान है, झरने के समान है, जिसकी लहरें कभी उठती है कभी गिरती है, उठती है कभी गिरती है, समझ में आ रही है। तो जिंदगी में गरीब जन्म लिए कोई गलत बात नहीं है, गरीब मर जाएंगे ये सबसे गलत बात है, ये दिमाग को अपने बात में बैठा लीजिए इस बात को, ठीक है ना। तो हम लोग जान रहे थे गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ये किनका कथन है, ये आपको समझ में आ गई ना कि आखिर गरीब गरीब क्यों है, इसके पीछे का रीजन है उसका सोच। एक सोच इंसान को गरीब बना सकती है और एक सोच इंसान को अमीर बना सकती है। हम लोग देखो एक साधारण इंसान बता, साधारण इंसान की बात बता रहे हैं, तो हम लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं ना क्योंकि देखो हम लोग को अपने लाइफ में कुछ करने के टाइम में क्या करते हैं, हम लोग मतलब क्या ना तितली या तितला के चक्कर में पड़ जाते हैं, इधर भागेंगे उसको उधर भागेंगे, मोबाइल पर रिचार्ज कराकर बात करने के चक्कर में रहते हैं, इसी कारण से हम लोग का लाइफ चौपट हो जाता है। और जब तक ठेस लगेगी, जब तक दिमाग खुलेगा, तब तक समय भी निकल गई जाती है। तब बुआ याद रखना, जब लाइफ है पढ़ने का ना, तो उसमें मन लगाकर खूब पढ़ो यार। जिस दिन आप पढ़ लोगे बढ़िया से ना, ये हमारी गारंटी है कि देखना तो दुनिया में एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे। इसलिए ज्यादा हेर फेर मतलब तेना मेना के चक्कर में नहीं रहना, पढ़ने की उम्र में खूब पढ़ाई करना है। देखो ना मतलब देखो बुआ, अगर सोचो आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे क्या कर पाओगे, सोचो ध्यान से। अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में गरीब ही ना बनना है। तुम्हारे माँ बाप तुमको इस आशा से जन्म दिए, इस आशा से अपने वो अपने खर्च अपने सारे पैसे खर्च करते हैं ताकि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद वो हमें हर तरह की सुख सुविधाएं देगा। अब माँ बाप को क्या मालूम है कि वही बेटा सुख सुविधा देने के चक्कर में है कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में। देख बाबू अभी पढ़ने का उम्र है, मन लगाकर पढ़ लो, जिस दिन सक्सेस हो जाओगे ना कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन हजारों लड़के लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमेंगे। तो पहले पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, उसके बाद और इस सब चीज को रखो, समझ में आ रही है। पहले पढ़ाई, नहीं पढ़ाई करोगे बाद में गरीब हो जाओगे, बाद में गरीब हो जाओगे, और तुम्हारे एक गरीबी की वजह से तुम्हारे माँ बाप भाई बहन और तुम्हारा आने वाला परिवार, तुम्हारा आने वाला संतान सब कोई गरीबी को झेलेगा। जैसे सोचो तुम्हारे माँ बाप कष्ट सहकर
तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या तू भी चाह रहा है कि वैसे ही तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी भाई बहन या तुम्हारे आने वाला संतान भी गरीबी झेले? जिस चीज के लिए तुम मोहताज रहते हो कि एक चीज खरीदवाना हो तो अपने पापा पर निर्भर रहते हैं और पापा भी कहीं ना कहीं पैसे जैसे तैसे जुटा कर वो तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, क्या तुम भी वैसा चाहते हो कि मेरा बेटा भी मुझसे बोले कि पापा ये खरीदाओ और मैं जैसे तैसे करके उनकी सामान को इकट्ठा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ? इसकी संभावना ही नहीं है। तो ऐसा जीवन जीने से बेकार है ना कि अभी मन लगा के या पढ़ाई कर लो, 4-5 साल पढ़ाई कर लोगे ना उसके बाद देन लाइफ सही एंजॉय करो जिंदगी भर। देखो तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, इसके पीछे का कारण है बाबू याद रखना सोच। गरीब सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, अमीर सोचते हैं हम लोग कर देंगे, तो नहीं होगा के चक्कर में मत रहो, क्योंकि पैसा उड़े उसको दिमाग से पकड़ना है, समझ मा रही है? पैसा उड़े उसको दिमाग से पकड़ना है, ये नहीं गरीब है तो मैं नहीं कर सकता, गरीब है तो मैं नहीं पढ़ सकता, ये आलतू फालतू की बातें करना बंद कर दीजिए। ये दुनिया में जो भी इंसान हाई लेवल पर उठा ना सब गरीबी से उठा है, सब समझ मा रही बुआ? अभी हम लोग बात कर सकते हैं, कॉमेडी किंग जॉनी लीवर की बात करेंगे। कॉमेडी किंग जॉनी लीवर क्या एक कलम बेचने वाला इंसान था और आज देखिए दुनिया का, अपने इंडिया का कॉमेडी किंग कहा जाता है, सुपरस्टार हीरो भी माना जाता है। समझ में आ रही? इस दुनिया में हर इंसान गरीबी से उठा है, लो से हाई में गया है, जीरो से हीरो बना है सब। तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है किनकी कथन है? यह कथन रैग्नर नॉर्कस का है। किनका? ऑप्शन सी होगा, रैग्नर नॉर्कस।